पी एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर 57 प्लस 3 एक्स टू पावर 10 माइनस 21 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 एंड क्यू भी एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू 57 पी जे एक्स। अब ये पी जे एक्स क्या है, पी जे एक्स डिनोट कर रहा है कि जेथ डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। ओके, देन द फंक्शन क्यू एडमिट्स नाइदर ए ग्लोबल मैक्सिमा नॉर ए ग्लोबल मिनिमा ऑन आर। क्यू जो पॉलिनोमियल है इसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कुछ नहीं होगा रियल नंबर पे। एंड नेक्स्ट बोला गया है ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा दोनों ही होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर बोला गया है ए ग्लोबल मिनिमा बट नॉट ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा होगा लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर बोला गया है ए ग्लोबल मैक्सिमा बट नॉट ग्लोबल मिनिमा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, पी एक्स दिया गया है ये, ठीक है, तो क्यू एक्स हमें जो दिया गया है क्यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स प्लस दिस। अच्छा, तो पी एक्स है ये x टू द पावर 57 प्लस 3 x टू द पावर 10 माइनस 21 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 एंड प्लस या फिर दिया गया समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n, पहले क्या होगा पी वन एक्स, इसके बाद पी टू एक्स एंड अप टू पी 57 एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं पी वन एक्स करेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे हम पी वन करेंगे मीन्स पी एक्स को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 57 जो है वो आगे आएगा एंड इसके बाद पावर एक कम हो जाएगा 56 होगा, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली इसके बाद यहाँ पे होगा 3 इंटू 10 30 30 इंटू एक्स टू द पावर 9 मीन्स पावर एक के करके कम होगा एंड यहाँ पे पावर जो है वो दो दो करके कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x टू द पावर 57, ठीक है, एंड ये प्लस 21 है। अच्छा, हाईएस्ट पावर है 57 यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो q जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या है 57, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री होगा 57, ठीक है। डिग्री ऑफ q इक्वल्स टू 57, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू 57। अब ये 57 क्या है, ये ऑड है, तो क्यू जो पॉलिनोमियल है वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका कर्व जो है वो दिखने में कैसा होगा, देखो ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये जो इसका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी नहीं होगा, वाई एक्सिस भी नहीं होगा। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब होता है, जब यहाँ पे अगर आप मीन्स एक्स का पावर इवन जब होता है तब होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो डिग्री है 57, तो इसका मतलब पावर है ऑड, तो यहाँ पे जब आप x के जगह माइनस x पुट करोगे तो सपोज आपका कर्व है y इक्वल्स टू x टू द पावर 57, तो यहाँ पे जब आप x के जगह माइनस x पुट करोगे तो क्या होगा माइनस x होल टू द पावर 57, ये क्या हो जाएगा माइनस x टू द पावर 57, तो क्या ये y का इक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो लेकिन जब पावर इवन होता है तो ये सपोज पावर है x टू पावर 56, तो यहाँ पे जब आप x का जगह माइनस x रखोगे तो क्या ये कर्व जो है वो क्या चेंज होगा, नहीं चेंज नहीं होगा। माइनस x होल टू पावर 57 इक्वल्स टू x टू पावर 57 ही हो जाएगा, तो ये अनचेंज होता है, तो इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पे x का जगह माइनस पुट करने पर ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं होगा। जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला के क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है एक पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व है ये है पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इस x का पावर क्या है, इवन है, x के जगह आप माइनस एक्स रखो तो क्या होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन अनचेंज रहता है, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब,
ये है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे आप अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि पावर जो है इसका पावर ऑड है इसलिए। अच्छा, तो क्यू एक्स इसका डिग्री क्या है? ऑड है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो दिखने में कुछ ऐसा ही होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब की तरह ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे क्या आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, कोई मिनिमम वैल्यू मिल रहा है? यहाँ पे तो मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा एंड मिनिमम इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड लेकिन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब पावर इवन होगा, मीन्स डिग्री इवन होगा, तब यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक होगा एंड मिनिमम मिल रहा है जीरो। लेकिन जब डिग्री ऑड होगा तब मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे बोला गया है नाइदर ग्लोबल मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा।